हेलो यूट्यूब बड़ीज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच अलग अलग कैटेगरी के लोफर शूज के। और आपको बताएं कि बात अगर पार्टी की करें तो लोफर शूज ऑन फॉर्मल हमारा हमेशा ही फेवरेट होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने पहले की वीडियो पर बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले दोस्तों, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी शूज मैं आपको शो करने वाला हूं प्रॉपर ब्रांड से बिलोंग करते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 4 स्टार रेटिंग के साथ अवेलेबल है। साथ ही मैंने काफी लोग की रेटिंग्स भी चेक किए हैं, उसके बाद ही मैं आपको इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू देने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला शूज है वो आपके सामने है लोफर की बिहाफ पे। अगर हम बात करें स्पेशली पार्टी वेयर हो गया या फिर कुर्ता फॉर्मेट में हो गया तो ये वाला शूज मुझे बहुत ही पसंद आया। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी 535 रेटिंग अवेलेबल है, जिसके बिहाफ पे इसने 4 स्टार रेटिंग गेट की है। मतलब आप समझ लो कि 535 रेटिंग है, इसका मतलब इसकी सेल्स कितनी ज्यादा हुई होगी। सो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है बिकने के तौर पर। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कलर मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये कलर मुझे सबसे अच्छा लगा। इसके अदर में ये जो कलर है ये मैं दूसरा आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। व्हाइट या फिर मैं ब्राउन की बात करूं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ब्लैक और ये जो इसका लाइट ब्राउन वाला फॉर्मेट है ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे। साथ ही मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो इस पे जो छोटे छोटे ब्लॉक्स का जो फॉर्मेट है ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसका जो ये लुक आप देख सकते हैं, मतलब बैक साइड और ये बीच का जो पोर्शन है ये काफी ज्यादा बेटर है। साथ ही मैं आपको अलग अलग इसके व्यू दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गया, ये हो गया, प्लस में इसके ब्रांड का लोगो वगैरह ये चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप लोफर टाइप में शूज ढूंढ रहे हो तो उसमें अंडर 500 में बेस्ट शू है और इतनी अच्छी रेटिंग के साथ अवेलेबल है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा प्रोडक्ट है। बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो कि ऑफिशियल फॉर्मल से रिलेटेड है। अब देखो, ये जो मैंने आपको फॉर्मल शो किया जो लास्ट वाला हमारा शूज था, ये बेसिकली बिलोंग करता है ओकेशनल बिहाफ पे, अगर आपने कुर्ता फॉर्मेट पहना हुआ या फिर पार्टी वार्टी की बात करें तो। लेकिन ऐसे शूज आप ऑफिशियल बिहाफ पे डेली तौर पे पहनना थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, तो उसके बिहाफ पे हमारे पास दूसरा शू ये है लोफर में। और ये ऑफिशियल तौर पे आप इसे बहुत ही अच्छे से वेयर कर सकते हैं, चाहे हम कैजुअल की बात कर ले फॉर्मल की बात कर ले, दोनों बिहाफ पे ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूंगा कि इसके भी 202 रेटिंग्स अवेलेबल है, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट है और 4 स्टार के साथ रिप्रेजेंटेड है ऑन अमेजोन। इसी के साथ आपको अलग अलग कलर वेरिएंट मिलते हैं, मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि या तो ब्लैक लो या तो ये लो, ये दोनों कलर जो है मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे। इसके साथ ही मैं आपको इसका साइड लुक यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, ये वाला लुक आप देखिए, बैक लुक हो गया या फिर फ्रंट लुक हो गया, सोल लुक हो गया, ये दोनों चीजें आप एनालाइज करो, बहुत ही बढ़िया लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहीं पे अगर हम इसे देखें कि जब आप इसे जीन्स के साथ भी पहन रहे हैं तो कितना अच्छा लुक ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आप ऑन स्क्रीन अभी एनालाइज कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट शू की, जो है विनेक ब्रांड की तरफ से। और सीरियसली मैं बताऊं कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इतने लोवेस्ट प्राइस में कैसे अवेलेबल है। अभी इसकी बस यहाँ पे 2 ही लोगों ने रेटिंग दी है, लेकिन उसके बावजूद जो भी जिन लोगों ने भी इसे स्टार्टिंग में खरीदा है उन्होंने इसे 4 स्टार प्लस की रेटिंग दी है, तो वो भी इस प्रोडक्ट के लिए अच्छी बात है। और अंडर 300 की हम बात करें कि 300 से 450 के रेंज में ये जो शू है वो अवेलेबल है, तो बहुत सही है अगर आप नोटिस करें तो। इसके अलावा मैं आपको अलग अलग पोर्शन इस पर शो करता हूँ, जूम करके भी आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, तो आई थिंक फिनिशिंग के हिसाब से काफी बढ़िया है ये। और इसके हिसाब से अगर आप इसे कुर्ता पे पहन रहे हो या फिर जैसे कि आपने जींस पे भी देखा, इसे लोअर पे भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जो जॉगर टाइप लोअर होते हैं उन पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हो और बहुत ही अच्छा लुक ये रिप्रेजेंट करेगा। बट स्पेशली ध्यान रखना कि आपकी हाइट थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो, ज्यादा छोटी है तो फिर वो उतना अच्छा नहीं लगने वाला। इसके साथ ही इसमें भी आपको अलग अलग कलर मिल जाते हैं, काफी लोग जो है वो व्हाइट प्रीफर करते हैं, बट मैं प्रीफर नहीं करने वाला और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बारे में, ब्लैक चूज करो या फिर ये चूज करो, दोनों ही बेस्ट है। इसके साथ ही में इससे भी रिलेटेड अलग अलग साइज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो भी डिटेल आपको पढ़नी आप पढ़ सकते हो। मेन मोटा मोटा ज्ञान यही है जो आप समझ जाइए, ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपको इस रेंज में अवेलेबल मिल रहा है। रेटिंग मैटर करती है, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीद रहे हो उसकी रेटिंग चेक करो, रेटिंग से आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिल जाएगा, जिन लोगों ने उसे यूज किया है वो खुद ही बता देंगे कि प्रोडक्ट पहनने में यूज करने में एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैसा है, तो वो सबसे बेस्ट है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शू है वो बाटा ब्रांड की तरफ से है और ये प्रॉपर लोफर है, मतलब लोफर वाला वो वाला लोफर नहीं, शूज की कैटेगरी वाला लोफर।
तो यहाँ पे अगर ऑफिशियल बिहाफ पे फॉर्मल के तौर पे देख रहे हो और आपको प्रॉपर ब्रांड चाहिए जाना माना जो कि बाटा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। अच्छे शूज हैं, बाटा अपने आप में जाना माना ब्रांड है इंडिया में, तो उसके बिहाफ पे काफी अच्छे शूज हैं और अंडर 500 में ही ये आपको अवेलेबल मिल रहा है। सो अगर आप प्रॉपर ब्रांड पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि आप बाटा का भी ले सकते हो, क्योंकि बाटा के शूज मेरे पापा भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ और इसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अब इसके बाद में जो हमारा लास्ट फॉर्मल शूज है वो प्रॉपर पार्टी वेयर से ही रिलेटेड है, मतलब अगर आप किसी की वेडिंग में जा रहे हो और वहां पे इंप्रेशन झाड़ने का मन कर रहा है तो ही मैं इस शू को आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है ये। तो अगर आप वेडिंग के हिसाब से कोई शू ढूंढ रहे हो तो उसके हिसाब से मैं आपको ब्लैक इनफॉर्मल ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों को भी देखा है यूज करते हुए, इवन मेरे बड़े भाई के पास भी है। तो इस तरीके के शूज बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देते हैं स्पेशली शादी में, क्योंकि इनका जो लुक है वो शाइनिंग फॉर्मेट का होता है। बेसिकली आप कई लोफर ऐसे देखोगे जिनका कलर डल होता है, लेकिन ये शाइनिंग में होते हैं, तो पार्टी के हिसाब से बात करें जब लाइट पड़ती है शूज पे तो ये काफी ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इसके लिहाज पे। अब दोस्तों इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके क्लिक करके नॉर्मल अमेजोन पे जा सकते हैं, वहां पे खुद अच्छे से रिव्यूज का चेक कर सकते हैं, रेटिंग चेक कर सकते हैं और तभी आप इसे ऑर्डर कीजिए। बट डोंट वरी, अगर इन केस आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं भी आता है तो अमेजोन आपको रिप्लेसमेंट टर्म देता है, तो बिना किसी टेंशन के ऑर्डर करो और पसंद नहीं आए तो रिप्लेस मारो, कोई टेंशन नहीं है। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर देना, और अगली वीडियो आपको किस प्रोडक्ट पे चाहिए वो भी जरूर मेंशन करना। सो थैंक यू।